मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में युवती पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। एसिड अटैक से युवती की दोनों आंखें जल गईं और युवती को देखना बंद हो गया। गंभीर रूप से घायल युवती को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी मिलने पर पन्ना कलेक्टर और SP युवती से मिलने जिला अस्पताल पहुंच गए और युवती के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए, साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। आपको बता दें कि भले ही सरकार ने देश में एसिड अटैक जैसे मामलों पर कठोर कानून बनाए हैं, लेकिन दबंगों को कानूनों का खौफ नहीं है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बराहों से एसिड अटैक का मामला सामने आया है, जहां पर गांव के दबंगों के द्वारा पहले तो युवती और उसके भाई को घर से जंगल उठाकर ले गए। वहां पर दबंगों ने युवती और उसके भाई के साथ बदसलूकी की, मारपीट की। युवती के साथ भी बदसलूकी कोशिश की गई, जिसका युवती और उसके भाई ने विरोध किया, लेकिन दबंगों ने भाई की जबरन पिटाई की और युवती के ऊपर एसिड डाल दिया। इससे युवती की आंखों में एसिड पड़ गया, इसकी वजह से दोनों की आंख जल गई हैं और युवती को देखना बंद हो गया। युवती गंभीर रूप से घायल है, जिसे पवई स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहाँ पर युवती को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। युवती पर एसिड अटैक की जानकारी पन्ना कलेक्टर और SP को लगी तो तुरंत SP कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंची और युवती से मिलकर बेहतर इलाज का भरोसा दिया। तुरंत 10,000 की आर्थिक सहायता दी और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि युवती को चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय भिजवा कर इलाज करवाया जाएगा और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पन्ना नगर में 2 दिन बाद 21 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए प्रशासन तैयारियां कर रहा है, लेकिन एसिड अटैक का मामला आने से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। भाई मिला नहीं है अभी, भाई का लापता है, पता नहीं कहाँ गए। तो हमें भी बहुत बेरहमी से मारा है। कोई विवाद वगैरह हुआ था पहले का? कुछ नहीं, विवाद वगैरह कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, तो आपको जबरदस्ती उठा ले जाएंगे? जी, जबरदस्ती उठा के ले गए हैं। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से क्या मांग करेंगे, क्या अपील करेंगे आप? हम ये मांग करेंगे कि जो मेरे साथ हुआ किसी लड़की के साथ ना हो ऐसा। मारपीट बहुत ज़्यादा करा है, मारपीट करके वो तेजाब डाला गया है। वो हम लोग पालते हैं, उसके माँ बाप नहीं हैं, उसके माँ बाप नहीं है तो इस साल पूरे मारपीट करके। और भैया का लापता है, हम दवाई कराते हैं यहाँ, और दवा कराते कड़ी से कड़ी सजा मिले आरोपियों। अच्छा, ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने ऐसा डाला? सुमेर सिंह है और गोल्डी राजा हैं, पवैया के हैं, सुमेर सिंह बराहो के हैं। हाँ जी, क्या घटनाक्रम किया गया लड़की के साथ? घटना ये तेजाब डाला गया है आँख में, मारपीट करके तेजाब डाला गया है। आपके भतीजे का पता? आज मेरे भतीजे का लापता है, वो भतीजी को मारपीट के तेजाब डाल के घर में कर गया गोल्डी राजा। देखिए, एसिड अटैक के बारे में जानकारी नहीं है, एक आई ड्रॉप कुछ इनकी आंखों में डाला है उनके ही गांव के कुछ व्यक्तियों ने। वो आई ड्रॉप क्या था और कौन कौन आरोपी थे, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही आरोपी पे सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मेरे द्वारा और कलेक्टर साहब के द्वारा अस्पताल में जाकर पीड़िता से मुलाकात की गई है, इनके कुशल क्षेम पूछा है और इनके इलाज के लिए जो भी बेहतर प्रयास हो सकेंगे, चाहे पन्ना अस्पताल में या किसी और अन्य अस्पताल में। कब तक सलाखों के पीछे होंगे? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही इस पे पूरी वैधानिक कार्रवाई हो जाएगी। सर, आपके समक्ष लड़की ने बयान दिए हैं ऐसे गांव के दबंगों द्वारा किया गया है, ऐसी घटनाएं ना हो तो किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? देखिए।